वेलकम टू माय चैनल साइंसेस के मैं लस इस चैनल पर लाया हूं एनसीईआरटी 12th का फंक्शन यानी रिलेशन फंक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी 12th का एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी हम हमेशा पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि हर एक एक्सरसाइज का पहले थ्योरी हम लेंगे फिर उसका सॉल्यूशन का वीडियो बनाएंगे या फिर आपको प्रोवाइड करेंगे उस वीडियो को। तो एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी में हम लोग सीखेंगे पहले फंक्शन से सीखते हैं कि आखिर फंक्शन होता क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि y बराबर f ऑफ x यानी कि y जो है x में फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं y जो है x में फंक्शन है उसको डिनोट करते हैं y बराबर f ऑफ x जहां x क्या होता है तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। x जो होता है जिसमें फंक्शन होती है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट और जो y क्या है तो ये x बदलेगा तो y भी बदलेगा यानी कि ये x पे डिपेंड करता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहे यहाँ t में फंक्शन हो चाहे p में फंक्शन हो चाहे r में फंक्शन हो इस फंक्शन का नाम है इंडिपेंडेंट और इसका नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल देखते हैं y बराबर ऐसा पॉलीनोमियल मिलता है y बराबर कैसा पॉलीनोमियल है 3x² + 2x + 4 ये जो है देखिए y बराबर वो किस में फंक्शन है तो सब में x x लगा है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या y बराबर x में फंक्शन है तो इसको हम डिनोट करेंगे y बराबर f ऑफ x यहाँ x हुआ इंडिपेंडेंट और y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। और y इज इक्वल टू 3t + 4 3t + 4 का मतलब क्या है y जो है t में फंक्शन है और t में फंक्शन है तो इसको हम लिखा सकते हैं y बराबर f ऑफ t यानी कि y जो है किस में फंक्शन है तो t में फंक्शन है। अगर वो पूछेगा कि इस वाले केस में इंडिपेंडेंट कौन है तो t को बोलेंगे इंडिपेंडेंट और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि जिसमें फंक्शन रहता है x में फंक्शन है तो x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट इसमें t में फंक्शन है तो t को बोलेंगे इंडिपेंडेंट और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस फंक्शन वाले चैप्टर में एक नोटिफिकेशन आता है ऐसा f दिया रहेगा a टू b दिया रहेगा a से एरो निकला हुआ रहेगा b की तरफ इसको पढ़ते हैं क्या फंक्शन फ्रॉम a टू b अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसको बोलेंगे फंक्शन फ्रॉम a टू b अगर ऐसा रहेगा फंक्शन फ्रॉम p टू q इसको हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन कहां है p से q है तो इसको हम लोग पढ़ने का दिखा रहे हैं क्योंकि अब इस फंक्शन यानी कि सच 1.2 में ये ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है तो इस नोटिफिकेशन के बारे में पहले समझ लीजिए कि f a टू b का मतलब हुआ इसको पढ़ते क्या है फंक्शन कहां से कहां तक है तो a से b तक है फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब a टू b में b को होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट और a भी नॉन एम्प्टी सेट है और f को बोलते हैं फंक्शन तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब यह है कि उस सेट में कुछ ना कुछ रहना चाहिए 2 रहे 4 रहे 5 रहे 8 रहे 10 रहे इसका मतलब है कि नॉन एम्प्टी एम्प्टी का मतलब है कि बिल्कुल सेट खाली पड़ा है। एम्प्टी सेट को नोटिफिकेशन करते हैं फाई से यानी कि इस सेट में जब कुछ नहीं रहेगा तो उसको हम लोग फाई बोलते हैं फाई का मतलब है कि सेट खाली है और नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ कि सेट में कुछ ना कुछ है जैसे 2 है 4 है 5 है जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें कि ए सेट है और ए सेट में 2 4 5 है ए सेट कौन सा सेट हुआ एम्प्टी हुआ कि नॉन एम्प्टी हुआ तो इसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी। अच्छा अगर हम इसी को बोलते हैं कि हमको 2 4 5 6 ऐसे कर करके 1000 तक है तब कौन सा सेट होगा फिर भी नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो है। अगर सिर्फ बोला कि 2 रहेगा एक सेट में सिर्फ 2 है इसका मतलब क्या फिर भी नॉन एम्प्टी है नॉन एम्प्टी का मतलब सेट में कुछ ना कुछ रहना चाहिए खाली नहीं रहना चाहिए तो बी को भी खाली नहीं रहना है ए को भी खाली नहीं रहना है इसका मतलब है कि फंक्शन ए टू बी तभी डिफाइन होगा जब ए को भी नॉन एम्प्टी सेट बी को भी नॉन एम्प्टी सेट होना होगा और इससे ए से बी में इमेज बनना वो तो हम बाद में बताएंगे कि क्या होता है तो पहले ये नोटिफिकेशन समझ जाइए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इसको पढ़ते हैं। अच्छा अगर मान लिया कि एक सेट है इसमें कुछ नहीं खाली पड़ा है या इसमें 0 भी नहीं है 2 भी नहीं है अगर मान लेते हैं कि 0 है तो उसमें तो ए वो एलिमेंट है ना सेट में इसलिए ये क्या हुआ नॉन एम्प्टी सेट हुआ। अगर इसमें कुछ नहीं रहता खाली रहता तब इसका नाम है एम्प्टी सेट खाली पड़ा हुआ सेट और
एम्प्टी का मतलब है अगर सिंपल आप मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं तो एम्प्टी मैसेज दिखाता है, एम्प्टी का मतलब क्या खाली, तो यहाँ हुआ एम्प्टी सेट। तो हम ये बताना चाहते हैं कि फंक्शन का ये नोटिफिकेशन है, इसको अच्छे से समझ जाइए, एक्सरसाइज वाला पॉइंट में हमेशा आएगा। अब इसी फंक्शन में एक नया टॉपिक आया है, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि सभी फंक्शन तो ए से बी रहेंगे ही रहेंगे, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन को पहचानने का ये तीन स्टेप है, 1, 2 और 3, यानी कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है इसको पहचानने का तीन नियम। पहला तो सिंपल है कि ए और बी शुड हैव नन एम्प्टी सेट, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को नन एम्प्टी होना चाहिए। नन एम्प्टी का मतलब क्या कि सेट में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, जैसे ए का सेट हुआ बी का सेट हुआ तो कोई दोनों में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, क्यों ना एक रहे क्यों ना दो रहे क्यों ना तीन रहे, यानी कि ए और बी दोनों में कुछ ना कुछ रहना जरूरी है, यानी कि उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी होना चाहिए। हम अभी क्या बताया था इसके पहले कि नॉन एम्प्टी का मतलब है कि कुछ ना कुछ रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर बी खाली रहता है, फाइल रहता है, खाली रहता है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन को होने के लिए तीन रूल कौन कौन सा, पहला कि ए और बी को नॉन एम्प्टी जरूरत है। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि सेट में कुछ ना कुछ रहने चाहिए। दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी, यानी कि ए के सारा एलिमेंट का इमेज बी में बनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ए वाले पार्ट से जिधर फंक्शन रहेगा उस वाले पार्ट से सबसे एरो निकलना चाहिए, सभी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए से अगर ए टू बी रहेगा तब ए से, अगर ए टू बी इसका मतलब है कि ए से अगर बी रहेगा तब ए वाले सेट में जितना भी एलिमेंट रहेगा सबसे एरो निकलना चाहिए, एक एक से एरो निकलना चाहिए इमेज इन बी, और बी में उसका इमेज बनना चाहिए। इसका मतलब नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज, इसका मतलब ये हुआ कि ए से दो एरो नहीं निकलना चाहिए। मतलब कि अगर मान लेते हैं सेट चार है पांच है, अब चार से ही दो एरो निकल कर बी में मिल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज, इसका मतलब ये हुआ कि ए से जितना भी एलिमेंट है ए में उससे मात्र और मात्र एक एरो निकलना चाहिए, बी में दो एरो जाकर मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ध्यान से समझिएगा, पहला ए है सेट, ए बी सेट है और फंक्शन यहाँ से यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कहाँ से कहाँ है तो ए से बी है, पता चला, क्योंकि फंक्शन एरो देखिए यहाँ से यहाँ है, अगर ऐसे रहता तो बी से ए देखते, लेकिन यहाँ ए से बी है क्योंकि यहाँ फंक्शन है ए से बी। अच्छा, ये फंक्शन है कि नॉट फंक्शन है, तो नॉट फंक्शन है क्यों, क्योंकि पहला बात कि ए और बी स्टूड है नॉन एम्प्टी, इसमें भी कुछ है इसमें भी कुछ है, ठीक है, लेकिन ए से दूसरा वाला क्या बोला रूल कि ए के पूरा से एरो निकलना चाहिए, तीर निकलना चाहिए, तो ए के पूरा से कहाँ निकल रहा है, एक से निकल रहा है, दो से निकल रहा है, चार से नहीं निकल रहा है, इसलिए नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, राइट। इसको चेक करते हैं क्या यह फंक्शन है कि नहीं है। पहला बात देखिए कि ए से बी फंक्शन है तो इसका नाम हो जाएगा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में फंक्शन है, फंक्शन का नाम एफ है। अब थ्री, दूसरा क्या बोला कि सबसे निकलना चाहिए, तो तीन से भी निकला, चार से भी निकला, छह से भी निकला, बहुत बढ़िया। और तीसरा बोल रहा है कि दो को नहीं निकलना चाहिए, एक के एलिमेंट से दो को एरो नहीं निकलना चाहिए। पहला बात कि ए से सबसे निकलना जरूरी है लेकिन दो को नहीं निकलना चाहिए, सबसे तो एक आएगा वो निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन है। इसको चेक करते हैं क्या फंक्शन है, ये तो पहला रूल को फॉलो कर जा रहा है, नॉट फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि बी में कुछ है ही नहीं, बी क्या है फाइल है। हमको क्या शुरू में बोला पहला रूल कि ए और बी शुड हैव नॉन एम्प्टी सेट, यानी इसको भी नॉन एम्प्टी जरूरी है, इसको भी नॉन एम्प्टी जरूरी है, लेकिन ये क्या है एम्प्टी सेट है, खाली पड़ा सेट है, तो दोनों में से कोई भी अगर खाली पड़ जाए या दोनों खाली पड़ जाए तो फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में छ और तीन, अच्छा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और फंक्शन ऐसे है, छ तीन दो है, नौ चार सात है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ है, इसमें भी कुछ ना कुछ है, तो पहला बात सही है। पहला क्या बोला कि नॉन एम्प्टी की जरूरत है, तो नॉन एम्प्टी सेट है यानी कि खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं है। दूसरा क्या बोला कि ए के सब पार्ट से एरो निकलना चाहिए, तो इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, लेकिन तीसरा वाला बोला क्या कि एस ए के एक ही पार्ट, एक ही एलिमेंट से दो को एरो नहीं निकलना चाहिए, चाहे एक से ज्यादा एरो नहीं निकलना चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट एरो नहीं निकलना चाहिए, जबकि छ वाले से दो को एरो निकल रहा है। ये बात अलग है कि बी वाला में दो को जाकर मिल सकता है, ये चलेगा, लेकिन ए से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, इसका हुआ नोट फंक्शन, ए फंक्शन नहीं है। तो हम हमेशा बोल रहे हैं तीन को पहचानिए, पहला क्या कि ए और बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब क्या खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा रूल बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी, ए के सभी एलिमेंट का इमेज बी में बनना चाहिए, यानी कि ए के सभी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। तीसरा बात बोला कि नो एलिमेंट ऑफ ए ए शुड हैव मोर देन इमेज, इसका मतलब हुआ कि ए के एक ही एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो नहीं निकलना चाहिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर पांच। एग्जाम्पल नंबर पांच में फंक्शन देख रहे होंगे कि ए से बी फंक्शन नहीं है, इस फंक्शन का नाम हो जाएगा बी टू ए, इस फंक्शन का नाम होगा बी से ए फंक्शन है, क्योंकि आप एरो देख पा रहे होंगे फिगर में, बी से ए फंक्शन है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन बी से ए है, तो क्या फंक्शन है कि नहीं है, एक मतलब देखिए, जब फंक्शन बी से ए है तो इमेज उल्टा कैसे बन सकता है, मतलब कि फंक्शन बी से ए है और इमेज ए का इमेज बी में बन रहा है, तो ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता है, तो नोट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे जो एक फंक्शन है वो फंक्शन कैसे है, तो ए से बी है, तो इसका नाम हो जाएगा फंक्शन ए टू बी, इस फंक्शन का नाम हो जाएगा ए टू बी। आगे देखते हैं तो क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए फिर से तीन रूल कौन कौन सा थे, तो पहला कि नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी है बिल्कुल, यानी दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। दूसरा था कि ए के सभी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, तो सबसे एरो निकल रहा है। और तीसरा था कि ए के किसी भी एलिमेंट से एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं निकलना चाहिए, तो सबसे एक एक ही निकल रहा है, किसी से दो नहीं निकल रहा है। ये अलग बात है कि किसी में एक से ज्यादा मेथड मिल सकता है, वो चल जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये नॉट फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल कि ए और बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, बिल्कुल दिख रहा है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम ए से बी है। अब सवाल उठता है कि फंक्शन का नाम तो पता चल गया, अब फंक्शन का नाम जब पता चल गया तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। कारण क्या कि फंक्शन ए से बी में दिखा रहा है और इमेज बी से ए में बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन का नाम ए फंक्शन बी टू ए होगा, इस फंक्शन का नाम बी से ए होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हैं, फंक्शन क्रॉस दिया हुआ है बी से ए। अब क्या रियलिटी चेक करते हैं कि यह फंक्शन है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि बी से ए फंक्शन है, तो इमेज भी तो बी से ए ही में जा रहा है। यहाँ बी से ए जब फंक्शन है तो हर एक बी के पार्ट से एलिमेंट निकलना चाहिए, इससे भी निकल रहा, इसे भी निकल रहा, इसे भी निकल रहा, बी के एक कोई भी एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो नहीं निकलना चाहिए। देखते हैं इस चीज से भी दो एरो नहीं निकल रहा है, इसका मतलब फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि उल्टी बात की ना, बी से ए है तो सब में तो बी से ही ए इमेज बन रहा है और बाकी जो भी रूल थी उसको फुलफिल कर रहा है, ये फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम क्या होगा, इस फंक्शन का नाम होगा ए से बी, क्यों, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ पे बी सेट है और फंक्शन एरो दिखा रहा है ए टू बी, इसका नाम हो जाएगा ए टू बी फंक्शन। अब देख पा रहे हो कि ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल सही थी, क्योंकि हमको ये
तीन रूट है, दोनों नॉन नेगेटिव होना जरूरी है और एक ये सभी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, निकल भी रहा है इसी से दो एरो नहीं निकलना चाहिए ओनली, यानी कि फंक्शन है, फंक्शन है ये फंक्शन। नेक्स्ट क्या आपको देखते हैं, ए से बी इसका नाम होगा फंक्शन का नाम ए से बी। अब तक आप सीख गए होंगे कि ए से बी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन को देखकर ए से बी कर रहे हैं। अब ये फंक्शन है कि नहीं, तो ए के हर एक पार्ट से एलिमेंट निकाल रहा है, लेकिन एक रूल था कि ए के किसी भी एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो नहीं निकलना चाहिए, जबकि एक से ज्यादा एरो निकल रहा है इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन है इसको चेक कर रहे हैं, तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, इस फंक्शन का नाम होगा फंक्शन एक्स टू वाई, यानी x से y में फंक्शन लिखा है। अगर ये एरो इधर की ओर रहता तो y टू x हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है कि x के सभी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, बिल्कुल निकल भी रहा है, किसी से दो एरो निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। बारह नंबर एग्जाम्पल है, फंक्शन किसमें किसमें है, तो यहाँ पे एरो देना भूल गए थे, p से q, p to q, फंक्शन का नाम हो जाएगा p to q, जो भी यहाँ दिखाया रहता है a to b, b to c, c to d, तो ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है कि कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है, तो ये फंक्शन p to q है। अब क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो पहला बात सबसे एरो निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है सबसे एरो, क्योंकि तीन है एरो नहीं निकल रहा है। और दूसरा केस डबल एरो भी नहीं निकलना चाहिए, जबकि दो से डबल एरो निकल रहे हैं, यही कारण है कि यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, बहुत सिंपल है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों का डेफिनेशन लिखा हुआ है, चलिए एक बार इसको देखते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी डोमेन इफ एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ए, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं पार्ट है डोमेन का, कि डोमेन उसी फंक्शन को कहेंगे जिसका एवरी एलिमेंट एक से बिलोंग्स करना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा इसको डिनोट्स कैसे करते हैं, तो df, df का मतलब हुआ डोमेन, कोडोमेन का डेफिनेशन है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कोडोमेन इफ एवरी एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए, यानी कि जो सेट ए से बिलोंग्स करेगा उसको बोलते हैं डोमेन, और डोमेन को दिखाते हैं df से। कोडोमेन का मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट अगर बी से बिलोंग करेगा उसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन को दिखाते हैं cf से, cf का मतलब कोडोमेन और df का मतलब डोमेन। नेक्स्ट है रेंज, इसमें दो दो बातें हैं, ए फंक्शन इज सेड टू बी रेंज, रेंज उसी फंक्शन कब बोलेंगे, एवरी एलिमेंट पहला तो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि रेंज को देखने के लिए हमेशा सेट बी को देखेंगे, और सेट बी का वही एलिमेंट को रेंज बोलेंगे जो जिसका इमेज ए से बी जा रहा होगा, कुछ इमेज ऑफ ए इन बी, यानी कि फिर से अच्छा इसको रेंज को कैसे सूचित करते हैं, तो आर एफ से रेंज को सूचित करते हैं, तो डोमेन को df से, कोडोमेन को cf से, रेंज को rf से। उसके बाद डोमेन किसको बोलेंगे, जो एवरी एलिमेंट बिलोंग्स करना चाहिए सेट ए से, कोडोमेन किसको बोलेंगे जो एवरी एलिमेंट बिलोंग्स करना चाहिए सेट बी से, और रेंज किसको, तो रेंज भी सेट बी से ही बिलोंग्स करता है बट इसमें a का इमेज b में होना चाहिए। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पे, यहां से देख पा रहे हो कि a और b दो सेट है, ए में एलिमेंट एक दो तीन है, बी में चार पांच छह है, ए फंक्शन का तो नाम पूछेगा तो फंक्शन का नाम ए से बी दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ए से बी में फंक्शन है। अब ये फंक्शन है कि नहीं, तो बिल्कुल फंक्शन है, फंक्शन का रूल क्या था कि ए से सबसे एरो निकलना चाहिए और एक से एक ही एरो निकलना चाहिए, दो एरो नहीं निकलना चाहिए, तो फंक्शन है। अब फंक्शन है तो हम लोग से कोई df भी पूछ सकता है कि df क्या है, वही नहीं इस केस के लिए df यानी कि डोमेन क्या होगा cf और rf। इसके लिए अगर डोमेन का बात करें तो डोमेन क्या है,
तो स्टेट ए में जितना भी एलिमेंट रहेगा उसको डोमेन बोलते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे डोमेन हो जाएगा 1 2 और 3, इसको बोलेंगे डोमेन। और कोडोमेन किसको बोलते हैं? तो कोडोमेन सेट बी के सभी एलिमेंट को बोलते हैं। तो सेट बी में सभी एलिमेंट का नाम क्या क्या है? 4 5 6, तो यहाँ कोडोमेन हो जाएगा 4 5 और 6। अब रेंज क्या हुआ? तो रेंज सेट बी वाला को ही बोलते हैं, लेकिन जहां पे एरो जाकर मिल रहा है उसी को बोलेंगे रेंज। यानी कि 4 पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है, तो रेंज हो जाएगा 4 5 और 6। इसका मतलब कि डोमेन ए के सभी एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है, बी के सभी एलिमेंट को कोडोमेन कहा जाता है, सीएफ कहा जाता है, लेकिन रेंज उसी को बोलेंगे सेट बी में से वही एलिमेंट को चुनेंगे जहां पर एरो जाकर मिलता है। तो यहाँ डोमेन का सेट 1 2 3 हो गया, कोडोमेन का हो गया 4 5 6, और रेंज का हो गया भी 4 5 6, क्योंकि सब में 4 में भी एरो लग रहा है, 5 में भी 6। तो इस तरह से इस एग्जांपल का डोमेन कोडोमेन रेंज हम लोग बोले। नंबर 2 को देखते हैं, इसमें हमें डोमेन कोडोमेन रेंज निकालनी है। तो अगर इसमें बात किया जाए कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, तो इसमें कोडोमेन रेंज देखने से पहले इस फंक्शन को देखते हैं कि ए से बी में कैसा फंक्शन है। तो फंक्शन का नाम ए से बी है, ए टू बी है, तो फंक्शन ए टू बी है। एक दफा चेक कीजिए कि डोमेन किसी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। और जो आप लिखे तरफ क्या करेंगे, डोमेन तो क्या होता है नहीं, तो ए वाला कोडोमेन क्या होता है, तो बार बार बिल्कुल नहीं दोस्त, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, ये नोड फंक्शन है। कारण क्या? क्योंकि ए और बी का एलिमेंट से पूरा ए से निकल नहीं रहा है, नोड से पूरा एरो निकल नहीं रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले देखिए कि ये फंक्शन ही नहीं रहा, इसमें पहले चेक कीजिए क्या फंक्शन है। तो ये और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए से सबसे एरो निकल रहा है, किसी दूसरे तो दो एरो नहीं निकल रहा, तो नहीं निकल रहा। तो इस फंक्शन का नाम होगा ए टू बी, ए से बी फंक्शन है। इसका कोडोमेन क्या होता है? तो सेट ए के सभी एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है, बी एफ डोमेन ऑफ फंक्शन, सेट ए के सभी एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। तो इसका सेट क्या क्या बनेगा? 3 4 एंड 6। इसका कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन होगा सेट बी का एवरी एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है। तो सेट बी का एवरी एलिमेंट क्या क्या है? 4 है 3 है और 2 है। लेकिन इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? तो रेंज होगा, रेंज उसी का होता है जिस सेट बी का एलिमेंट का वैसा एलिमेंट जिसका इमेज बन रहा है, जिसमें एरो जाकर मिल रहा है, तो 4 और 3 पे मिल रहा है, तो इसका रेंज हुआ 4। यानी कि डोमेन बोलते हैं ए के सभी एलिमेंट को, कोडोमेन बोलते हैं सेट बी के सभी एलिमेंट को, लेकिन रेंज जो होता है, रेंज क्या होता है? तो सेट बी का वैसा एलिमेंट जिस पर एरो जाकर मिल रहा है, जिसे 4 और 3 पे मिल रहा है, तो यहाँ पर रेंज होगा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, ये फंक्शन कैसा है? तो ये फंक्शन ए टू बी है, ये फंक्शन ए से बी हो रहा है, लेकिन इसमें दिखा देते हैं ऐसा करके है। तो ये फंक्शन ए से बी है, तो क्या यहाँ पे डोमेन निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज हम लोग निकाल सकते हैं? सिचुएशन ऐसा है, ऐसे सिचुएशन है, डोमेन क्या होगा? तो डोमेन ए के सभी एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। 3 6 9 ए में सेट है, तो इस सेट को बोलेंगे डोमेन। अब इसका कोडोमेन क्या होगा? तो सी एफ कोडोमेन होगा, 4 3 एंड 2। लेकिन रेंज जो होगा, आप देख पा रहे होंगे जो एरो सिर्फ और सिर्फ 3 पे जाकर मिल रहा है, यानी सेट बी का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जहां पे एरो जाकर मिल रहा है, तो 3 ही है, तो रेंज हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फिगर से कोडोमेन, रेंज और डोमेन। तो डोमेन फिर से सेट ए के सभी एलिमेंट को डोमेन, सेट बी के सभी एलिमेंट को कोडोमेन, और रेंज सेट बी का वैसा एलिमेंट जहां एरो जाकर वहां पे मिलता है उसको बोलते हैं रेंज। इस थ्योरी के अंतर्गत, इस 6.1.2 थ्योरी के अंतर्गत अब हम सीखते हैं कि कितने तरह के फंक्शन होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन आगे भी हम लोग देखेंगे, फिलहाल 2 फंक्शन को देखिए। पहला का नाम है ऑनटू और तीसरा का नाम है इनटू। दो तरह का फंक्शन अभी हम लोग देखते हैं, ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन।
ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव, इसका दूसरा नाम है। इसका मीनिंग ये हुआ, ये फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू इफ कोडोमेन और रेंज बराबर है। यानी बहुत बढ़िया बात सीख लीजिए कि अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया तो उस फंक्शन का नाम हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर इट इज नॉट ऑन टू, इन टू तभी होगा जब ऑन टू नहीं होगा। यानी कि ऑन टू का मतलब हुआ कि कोडोमेन और रेंज बराबर होना, और इन टू का मतलब है कि ऑन टू नहीं होना। अगर ऑन टू नहीं होगा तो उसका नाम हो जाएगा इन टू, अगर इन टू हो जाएगा तो ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है इस फंक्शन में, क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो यहाँ सी एफ का वैल्यू, ये वाले पार्ट को तो डोमेन बोलते हैं, बी वाले सभी पार्ट को कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन में कौन कौन सा हुआ, 4, 2, 3, 5। लेकिन रेंज क्या हुआ, तो रेंज में, रेंज का मतलब है कि स्टेट बी का वैसा एलिमेंट जहां पे एरो जाकर मिल रहा है उसको बोलते हैं। तो 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। अगर बराबर रहेगा तो ऑन टू, अगर बराबर नहीं हुआ इसका मतलब इन टू। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू बट इन टू तो है ना। यानी कि ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो इन टू हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में आप कोडोमेन बताइए कि क्या होगा। तो कोडोमेन क्या है, तो 4 और 3 है, और रेंज भी देख पा रहे हैं कि 4 और 3 है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो जब कोडोमेन और रेंज इस फंक्शन का बराबर है तो ये फंक्शन को बोल सकते हैं कि ये ऑन टू है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन बट इन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू और इन टू दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अगर ऑन टू होगा तो इन टू नहीं होगा, और अगर इन टू हो गया तो ऑन टू नहीं होगा। तो दोनों में कोरिलेशन याद रखना है, ऑन टू जस्ट विपरीत होता है इन टू का। अब ऑन टू को सबसे पहले चेक करेंगे, यानी कि ऑन टू और इन टू चेक करने के लिए आपको कोडोमेन और रेंज देखना पड़ेगा कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है 2, 3 और 4। सेट बी के सभी एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन, और रेंज देखिए तो रेंज है सिर्फ और सिर्फ 2, 3। तो यहाँ पे कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है। तो जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो हम लोग निष्कर्ष निकाले कि ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। जब ऑन टू नहीं है तो कौन सा फंक्शन है, इन टू फंक्शन है। तो यानी कि ऑन टू और इन टू फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऑन टू जस्ट विपरीत होता है इन टू का। अगर ऑन टू हो गया तो इन टू नहीं होगा, और इन टू हो गया तो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू इन टू चेक करने के लिए पहले आपको चेक करना होगा कोडोमेन और रेंज। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ऑन टू, बराबर नहीं हुआ तो इन टू। देखते हैं अगला फंक्शन, मिनिमम फंक्शन और वन वन फंक्शन। इसके पिछले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन टू और इन टू। उसके बाद और दो भी फंक्शन है, यानी कि टोटल 4 फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन और वर्मन फंक्शन। वर्मन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। मिनिमम क्या होता है, तो ये फंक्शन इज सेट टू बी मिनिमम इफ दो या दो से अधिक, यानी कि 2 or more than 2 एलिमेंट ऑफ ए हैज सेट इवेंट इन बी। यानी कि मिनिमम, और मिनिमम का मतलब क्या होगा कि ए के अलग अलग 2 से एरो निकलकर 1 में आना चाहिए। यानी कि 2 या 2 से ऐसा एलिमेंट ए का होना चाहिए जो अलग अलग से एरो निकलकर बी के एक ही एलिमेंट में जाकर उसका इमेज बनना चाहिए। और वर्णन का मतलब क्या हुआ, ए फंक्शन इज सेट टू बी वर्णन इट इज नॉट मिनिमम। बढ़िया समझिएगा, पहला फंक्शन था ऑन टू और इन टू, पहला दूसरा फंक्शन था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑन टू हो गया तो इन टू नहीं हुआ, अगर इन टू हो गया तो ऑन टू नहीं होगा। सेम थिंग्स इसमें भी है, मिनिमम और वन वन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। वन वन ऑन टू इन टू भी जैसा है, वन वन हो गया तो मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा तो वन वन नहीं होगा। अब मिनिमम और वन वन में चेक करने के लिए आपको मिनिमम को देखना पड़ेगा कि मिनिमम का मतलब हुआ कि ए के अलग अलग एलिमेंट से निकल कर, 2 अलग अलग एलिमेंट से निकल कर बी में सेम इमेज बनाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं तो क्लियर बात हो जाएगी।
ये फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोर डोमेन में क्या आया, तो कोर डोमेन में 9, 2, 1, 8 आया। रेंज में क्या आया, तो रेंज में भी यही 4 आएंगे। इसका मतलब हुआ कि कोर डोमेन और रेंज बराबर है, तो ये फंक्शन का नाम होगा ऑन-टू फंक्शन। जब ऑन-टू हो गया तो एकदम कन्फर्म पक्का है कि इनटू नहीं होगा, इनटू नहीं होगा। अब चलिए मिनिमम और वर्मन को चेक करते हैं। मिनिमम का मतलब कि ए के अलग अलग एलिमेंट से निकलकर बी में एक ही इमेज बनाना चाहिए। तो दो और इसमें ऐसा कोई भी दो नहीं है जिसमें सेम दोनों का, जैसे दो अलग अलग से निकलकर, दो अलग अलग से निकलकर सेम में बनना चाहिए। जैसे कि एक यहाँ एलिमेंट है और एक यहाँ एलिमेंट है, और दोनों का सेम इमेज बी में बनना चाहिए। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है, अगर अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग इमेज बन रहा है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम नहीं है। नोट मिनिमम, ये मिनिमम नहीं है। तो जब मिनिमम नहीं है तो वर्मन हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम और वर्मन में विपरीत रिलेशन है। इसको चेक करते हैं। पहला बात की कोर डोमेन में क्या है, तो 5, 6, 7, 8 सब आ जाएंगे। लेकिन रेंज में क्या होगा, तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ 6 और 8 होगा, यानी कि यहाँ कोर डोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का नाम हो जाएगा नॉट ऑन टू। जब ऑन टू नहीं होगा तो ये इनटू होगा। अब चलिए हम लोग मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग से जाकर सेम इमेज बनाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1, 3 और 4 अलग अलग ए का एलिमेंट और जाकर बी में सेम इमेज बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम होगा। अब जब मिनिमम हो गया तो वर्मन इसका उल्टा है, तो नॉट वर्मन, यानी कि वर्मन फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं बाई फिगर से कि कौन ऑन-टू है, कौन इनटू है, कौन मिनिमम है, कोई कौन वर्मन है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे कोर डोमेन और रेंज देखिए, कोर डोमेन में तो पूरा आ जाएगा, लेकिन रेंज 13-14 होगा। तो हम लोग फटाफट काम करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। तो नॉट ऑन टू नहीं, ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा, ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा। अब मिनिमम चेक करते हैं, तो मिनिमम तो पढ़ा गया, ए का अलग अलग एलिमेंट से जाकर दो, कम से कम दो, टू और मोर देन टू एलिमेंट, दो अलग अलग से जाकर सेम इमेज बना रहा है, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम फंक्शन। जब मिनिमम हो जाएगा तो वर्मन नहीं होगा, नॉट वर्मन। नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करते हैं। ये कोर डोमेन और रेंज बराबर है, तो 10, 12, 13 कोर डोमेन, रेंज भी 3 का बराबर, तो इसका मतलब हम समझे कि ऑन टू है लेकिन इन टू नहीं है, क्योंकि ये दोनों उल्टा कैसे चलता है, ऑन टू होगा तो इन टू नहीं, इन टू होगा तो ऑन टू नहीं। अब मिनिमम को चेक करते हैं, तो क्या मिनिमम ये फंक्शन है? तो दोस्त यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं ये काम ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन है ही नहीं। कैसे? क्योंकि फंक्शन का मतलब ये तो नहीं होगा ना कि एक ही एलिमेंट से दो एरो निकलना चाहिए, जबकि 4 से 2 एरो निकल रहे हैं, जबकि फंक्शन ऐसा बोलता ही नहीं है। जब फंक्शन रहेगा नहीं तो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ऑन टू है, कि इन टू है, कि मिनिमम है, कि वर्मन है? इसलिए फंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ हम लोग फाइंड आउट करना ऑन टू है कि इन टू, ये फाइंड आउट करना गलत होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो टोटल फंक्शन 4 होते हैं, ऑन टू और इन टू दोनों विपरीत होते हैं। ऑन टू होगा तो इन टू नहीं, इन टू होगा तो ऑन टू नहीं। ऑन टू होने के लिए कोर डोमेन रेंज बराबर होने चाहिए, और दूसरा फंक्शन और दो फंक्शन मिनिमम और वर्मन है। मिनिमम होगा तो वर्मन नहीं, वर्मन होगा तो मिनिमम नहीं। मिनिमम चेक करने के लिए कैसे? तो सेट ए के कम से कम दो एलिमेंट से एरो निकलकर दोनों का सेम बी में मिलना चाहिए, उसको बोलेंगे मिनिमम। अगर मिनिमम होगा तो वर्मन नहीं, वर्मन होगा तो नहीं। अब हम लोग देखते हैं ऑल्सो टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन के और भी टाइप है, लेकिन मेन 4 ही टाइप होते हैं, ऑन टू, इन टू, मिनिमम और वर्मन। ऑल्सो में वही चारों का कॉम्बिनेशन है, जैसे 1-1 और ऑन टू, अगर दोनों एक साथ फंक्शन 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इसको साथ में लिखेंगे 1-1 और 2 फंक्शन। इसी को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब कि 1-1 भी है, ऑन टू भी है। दूसरा ऑल्सो टाइप में आता है 1-1 और इन टू, यानी कि 1-1 फंक्शन हो जाएगा और इन टू फंक्शन हो जाएगा, तो दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 1-1 इन टू। उसी तरह से मिनिमम ऑन टू और मिनिमम इन टू, यानी कि वही 4 बेसिक
मुख्य मुख्य बोल सकते हैं कि पार्ट है फंक्शन का, वो चार होते हैं वन वन और मेनी वन इंटू वन वन, वही चारों से मिलाकर और भी अदर चार टाइप का बनता है। तो यहाँ से चीजें क्या क्लियर हो जाएंगी, चलिए देखते हैं। यहाँ से कोड डोमेन और रेंज बराबर दो तीन चार दो तीन चार, ये कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू हो गया तो नॉट इनटू, इनटू भी हुआ। मिनिमम है, मिनिमम के लिए दो अलग अलग ए से निकलकर सेम में होना चाहिए, नहीं है तो नॉट मेनी वन, ये मेनी वन नहीं है। तो जब मेनी वन नहीं है तो ये कौन कौन सा है, वन वन है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सा फंक्शन है, तो ऑन टू है और वन वन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू है, यानी कि इसी का नाम है बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन है। लेकिन दोनों जो 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 फंक्शन हो जाएंगे दोनों को साथ में लिख देंगे, साथ में बोलते हैं। कोड डोमेन और रेंज तो बराबर नहीं है, तो कोड डोमेन रेंज बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉट ऑन टू, जब ऑन टू नहीं है तो कौन सा फंक्शन, इन टू। अब मिनिमम है कि नहीं, तो मिनिमम चेक करने से पहले ये मिनिमम नहीं है, क्यों नहीं है मिनिमम, क्योंकि दो अलग अलग से निकल कर सेट में तो जा नहीं रहा है, फंक्शन मिल रहे हैं, ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, सेट में तीन ही एलिमेंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन से अलग अलग जा रहा है, तो यहाँ पे ये नोट देने वाला हुआ मेनी वन, तो ये हो गया वन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वन वन इनटू फंक्शन, तो एक साथ लिख देंगे। तो आल्सो टाइप में ऐसा हम लोग को सवाल मिल सकता है सॉल्यूशन करने में, क्वेश्चन मिल सकते हैं Ex-1.2 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोड डोमेन और रेंज बराबर, तो कोड डोमेन और रेंज बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, और जब ऑन टू हो गया तो नॉट इनटू। अब मेनी वन है कि नहीं, तो मेनी वन है, क्यों, क्योंकि दो और छह का अलग अलग से निकल कर सेम में जाकर मिल रहा है, इसका मतलब मेनी वन हो जाएगा, और जब मेनी वन हो गया तो नॉट वन वन होगा, तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, मेनी वन ऑन टू, तो इसको साथ में लिख देंगे मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो ये आल्सो टाइप में है, यानी कि दोनों को एक साथ लेकर एक फंक्शन हम लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे कोड डोमेन और रेंज बराबर नहीं है, क्योंकि कोड डोमेन में तो पूरा सेट का आ जाएगा, लेकिन रेंज में तो यही तीनों आएगा, इसलिए यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, जब ऑन टू नहीं है तो क्या है, इन टू। और मेनी वन है कि नहीं, तो 12 और 16 से निकल कर 6 में जा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग से निकल कर सेम में जा रहा है, तो यहाँ पे मेनी वन हो जा रहा है। और मेनी वन हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये वन वन नहीं होगा, तो इसका नाम हो जाएगा कौन सा, मेनी वन इन टू फंक्शन। तो इस तरह से फंक्शन को आप समझें, टोटल मेनली यही चारों फंक्शन को लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि कैसे चेक करेंगे सर कि मेनी वन है, वन वन है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, लोगों को माथा में दर्द हो जाता है। तो सिंपल वे में आप हमेशा याद रखिएगा, वन वन मेनी वन दोनों आपस में उल्टा है, इन टू और ऑन टू दोनों आपस में उल्टा है, इन टू और ऑन टू को चेक करने के लिए ऑन टू को चेक कीजिए कि कोड डोमेन और रेंज बराबर है कि नहीं है, वो चेक हो जाएगी। मेनी वन और वन वन को चेक करने के लिए आप फिगर्स, क्योंकि हम लोग फिगर ही इंपोर्टेंट है फंक्शन में, फिगरली हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोग उसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे, और फिगर में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग चेक करेंगे कि आखिर कौन कौन सा फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। तो आप चीजों को बेसिकली समझ जाइए, ये एक्सरसाइज 1.2 का पूरा थ्योरी समाप्त हो गया है। अब हम लोग आएंगे 1.2 का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो फिलहाल मेरे से आप जुड़े रहे, वेरी वेरी थैंक यू सो मच।